वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा के अवंतीपोरा से आ रही है, जहां पर आतंकियों ने एक एसपीओ और उनकी पत्नी की हत्या कर दी है। जी हां, बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एसपीओ और उनकी पत्नी की मौत हो गई है, जबकि बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है। आपको बता दें कि आतंकियों ने घर में पहले वो दाखिल हुए, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें एसपीओ और उनकी पत्नी की मौत हो गई है। हालांकि बेटी को भी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, इस पूरे मामले में, क्योंकि ये कल की घटना है, कल रात 11 बजे ये वारदात हुई थी, इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट? दरअसल श्वेता, इस इलाके में कल शाम को तलाशी अभियान शुरू किया गया था साझा तौर पर सुरक्षा बलों की तरफ से इस आतंकी घटना के बाद, लेकिन अभी तक फिलहाल उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ है सुरक्षा बलों को। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, खासतौर से पुलिस की तरफ से जांच जारी है कि उन हमलावरों का पता लगाया जा सके जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। दरअसल इस इलाके में जो है काफी जो है मिलिटेंट्स सक्रिय हैं, क्योंकि त्राल का इलाका है, और यहाँ पर जो है अब वो पता लगाया जा रहा है कि जो ये हमलावर है उसकी पहचान हो सके और उसको अंजाम तक पहुंचा जा सके कानूनी तौर पर। लेकिन ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी पिछले कई दिनों के दौरान जिस अंदाज से तेजी आई है आतंकी हमलों में, चाहे पुलिस कर्मी हो, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है, और खास तौर से गात लगाकर, जिसमें किसी सुरक्षा में रहने वाला इंसान ना हो या फिर घर पे हो या छुट्टी पे हो, उस तरह का ये जो नया तरीका या ट्रेंड शुरू किया है आतंकियों ने कश्मीर में, वो साफ झलक रहा है। बिल्कुल अशरफ, साथ ही जानना चाहेंगे, ये पहली घटना नहीं है, अगर पिछले पूरे हफ्ते की बात कर लें तो कई आतंकी वारदात यहाँ हो चुके हैं, और सबसे बड़ा तो अगर आप देखें तो एयरफोर्स स्टेशन पे जो ड्रोन से हमला हुआ है, वो इसे किस तरह से देखा जा रहा है या लोकल इंटेलिजेंस इसे कैसे देख रही है, क्या वजह है इसके पीछे? श्वेता, दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 जून को एक अलर्ट जारी किया था। वो उनका कहना था कि जिस अंदाज से कश्मीर को लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो रही है दिल्ली में, एक बार फिर जो है जम्मू कश्मीर में अमन शांति लाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, ये जो है अलग अलग मिलिटेंट संगठनों को रास नहीं आ रहा है वो कोई आतंकी हरकत कर सकते हैं इन दोनों। लेकिन उससे पहले ही ये सिलसिला जो है वायलेंस का, या हम कहें कि हिंसा का, वो शुरू हुआ था जब हमने देखा कि कई जगहों पर जो है ग्रेनेड से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, कई सारे नागरिकों को जो है उनको निशाना बनाया गया। अब उस दिन जिस दिन ये बैठक होने वाली थी उससे एक दिन पहले 3 आतंकी घटना कश्मीर में घटी। पुलिस एक अफसर की हत्या हुई उनके घर के बाहर जब वो मस्जिद में जा रहे थे, और जाहिर है कि ये सिलसिला तब से अभी तक जारी है। और कल इसमें बड़ा आयाम ये आया कि जब ड्रोन से जो है जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया।